सर क्या मामला है? मतलब हमारे पंपिंग सेट जो मशीन है घर पर नलकूप, उसकी चोरी 13 मई को चोरी हो गई। उसके बाद एसओ को फ़ोन किया गया, FIR दर्ज का चोरी का। एक महीने के बाद SP के हाजिर हुए तो SP चोरी का मुकदमा दर्ज किए, करवाए दरोगा से, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। फिर 151 में SO जलालपुर छोड़ दिए मुझे, और उसके बाद आज तक न चोरी का माल बरामद हुआ, अन्य चोर पकड़े गए। जो पकड़े थे उसको भी 151 में चालान कर दिए। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हमको SP या प्रशासन से यही उम्मीद है कि हम सारे चोर पकड़े जाएं, उनको जेल भेजा जाए और सामान बरामद किया जाए। सर कितने की लागत की सामान अगर आपकी चोरी? लगभग 1.5 लाख के लगभग की सब सामान है। ये चोर पकड़े गए थे क्या? हाँ, एक कमलेश कुमार नाम का चोर पकड़ा गया, उसको 151 में चालान कर दिए। क्या चोर जब पकड़ा गया तो उसके तो पूछताछ के और चोर भी पकड़े जाते हैं उससे शहर पे? हाँ, उसको क्यों नहीं पकड़ गए? उसको पूछे नहीं, और उसको हमारे ऊपर दबाव डाल के कि आपकी मोटर मिल जाए, आप कम्प्रोमाइज कर लीजिए। क्या दबाव बना रहे? हाँ, कि मतलब मोटर आपको देने के लिए तैयार है। एक सेकेंड हैंड की मोटर हमारे घर पर फेंका, तो एडिशनल SP जब उसमें हस्तक्षेप किए तो मोटर ले के फिर गया। एडिशनल SP थाने में गए, सवेरे SO लाइन हाजिर हुए कि ट्रांसफ़र हुआ, और आज तक न मोटर बरामद हुई, न चोरी का सामान मिला, न चोर पकड़े गए, न एक जो पकड़ा गया था उसको भी छोड़ दिए। सर कहाँ का मामला है, क्या नाम है आपका? मामला है दरवेशपुर गाँव है, जलालपुर थाना अंतर्गत हाईवे पर गाँव है हमारा, और हम कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं। चोरों के विषय में इन लोगों को बताए भी, नामजदी FIR किए। आप कर्मचारी हैं, कर्मचारी हो कि जब जो है सुरक्षा नहीं है, कर्मचारियों की मतलब मदद नहीं की जा रही, तो आम जनता का किस तरह से मदद हो रही है? हाँ, क्या यही, कहना चाहिए? यही SO साहब का है कि आप लोग कुछ चोरों के विषय बताइए। मैं उनसे बताया, हम दुश्मनी भी लिए, चोरों के विषय बताए, आज तक न मुकदमा एक महीने बाद किसी तरह SP के दबाव में किए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, फिर SP से मिले तो सब कहानी SP से बताया गया, तो उसके बाद दरोगा का ट्रांसफ़र हो गया, और अब नए SO आए हैं, उनसे उम्मीद कुछ कर सकते हैं, हो सकता है कि भाई मिल जाए। हाँ, मिल जाए हमारे चोर। क्या नए SO से मुलाकात हुई? हाँ, हमारा नए SO क्या आश्वासन मिल रहा है? कह रहे हैं कि मैं पकड़ लेंगे, ठीक है, आश्वासन है। एडिशनल SP भी कहे कि SO से मिल लीजिए जाके, नए आए हैं, मैं मिला भी, SO आश्वासन दिए हैं। अभी उसका लड़का जो फरार है, जिसको छोड़ दिए, उसका लड़का फरार है और अभी तक आया नहीं है, महीनों से बाहर है, दबाव पर दे रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा, और 3 अन्य चोर हैं वो भी नहीं पकड़े गए। ऐसे में आप प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? प्रशासन से अब क्या उसी में उम्मीद लगाएंगे, जब हम कर्मचारी हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या सुना जाएगा? सवाल इस पर, कर्मचारी की सुनवाई नहीं हो रही, आम जनता का किस तरह से होगा? SP साहब से उम्मीद लगाए हैं हम। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह।